नमस्कार, डीटीवी न्यूज में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। जालोद खाते कांग्रेस ना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अने राजस्थान ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोद जनसभा संबोधी कांग्रेस ना उम्मीदवारों माटे प्रचार कर्यो। राष्ट्रीय अध्यक्ष नु भाषण शुरू थाय ते पहला ज लोको सभास्थल थी रवाना थई जता खुर्शीओ खाली। आजे प्रथम तबक्का नु मतदान पूर्ण थयुं त्यारे दाहोद जिल्ला मां बीजा तबक्का नु मतदान 5 डिसेम्बरे योजाशे। त्यारे छेल्ली घड़ीना प्रचार माटे राजकीय पक्षो एड़ीचोटीनू जोर लगावी रह्या छे। आजे जालोद खाते कांग्रेसना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अने राजस्थानना मुख्यमंत्री अशोक गहलोतनी जाहिर सभा योजाई हती, जेमा गुजरातना प्रभारी रघु शर्मा, राजस्थानना कैबिनेट मंत्री महेन्द्रसिंह मालवीया सहितना नेताओ हाजर रह्या हता। सभा शुरू थाय ते पहेला ज लोको रवाना थई जता महेन्द्रसिंह मालवीया अने स्थानिक उम्मीदवार डॉक्टर मितेश गरशिया सहितना होद्देदारों पब्लिक ने रोकवा माटे स्टेज पर थी उतरी लोकोने समझावीने बेसाडवानो प्रयास करवामां आव्यो, परंतु तेमनो आ प्रयास निष्फळ निवड्यो हतो। गणतरीना समयमां 70% खुर्शीओ खाली ज थई जता कांग्रेसमां चिंता व्यापेली जोवा मळी रही हती। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पोताना संबोधनमां जणाव्यु हतुं के आटला वर्षोमां कांग्रेस द्वारा तमाम योजनाओं लागू करवामां आवी, थोड़ू घणू काम पूर्ण करीने तेनो जश भाजप लई रही छे। कांग्रेस द्वारा आदिवासीओना हक्को अने हित माटे लड़त करी छे। आदिवासीओ माटे अनेक योजनाओ कांग्रेसना समयमां करवामां आवी हती। कांग्रेसना करेला तमाम कामोने भाजप पोताना काम गणावी रही छे। साथे ज नरेन्द्र मोदीने रावण कहेवा बाबते पूछता खड़गेએ જણાવ્યું કે બધા ચૂંટણીના મુદ્દાને ઊંધી રીતે લઈ જઈ રહ્યા છો, હું ડેવલપમેન્ટની વાત કરું છું, મેં જે સંદર્ભમાં કીધું તે બધા જાણે છે, એમ કહીને પોતાના નરેન્દ્ર મોદી ઉપર ટિપ્પણીવાળા નિવેદનને ફેરવી તોડ્યું હતું। દેખો આજ જો હમ ચુનાવી સભામાં આયે હૈ ઓર એક અંડર કરંટ ઇનવિઝિબલ વોટર્સ जो साइलेंट है, जब उसका सर्वे किया गया है तो कांग्रेस पार्टी को इस बार मजबूती से मदद करने का सभी ने सोचा है। और वो खुल के चंद लोग बोल रहे नहीं, लेकिन उनके दिल में ये है कि 27 साल से यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से भी है, इतने राज्य और केंद्र में दोनों जगह उनके शासन होते हुए भी ये इलाका, ये आदिवासी लोग, दलित लोग, गरीब लोग, छोटे मोटे व्यापारी और किसान सभी लोग परेशान हैं। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर सरकार की अनदेखी, वो उनको जो मदद करना चाहिए वो कर रहे नहीं, इसीलिए और गरीब गरीब होते जा रहा है। और यहाँ तो गुजरात में आपको मालूम है चंद लोग अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आपने तो 27 साल उनको देखा और 9 साल से राज्य केंद्र में भी देखा, तो इस बार हमको एक मौका दो, यही हमसे सबका अपील है। हमारे अपील को रिस्पांस भी मिल रहा है, देखेंगे अब चुनाव। हम तो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं और हर देहात में हमारे लोग हैं, और जो खास करके हमारे जो जहां पर प्रभारी डाले हैं हर एरिया में, हर रीजन में, वो सभी लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ के नेता लोग भी एक होकर एकजुट होकर लड़ रहे हैं, इसमें हमको एस मिलेगा। सर, आप कुल्हाड़ी मारी क्या कहेंगे? हाँ, आपने मोदी जी को रावण कह के अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्या कहेंगे? कि देखो ऐसी बातें तुम इलेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए हम पे इल्ज़ाम मत लगाइए। हम जिस संदर्भ में जो कुछ कहा वो सबको मालूम है, फिर आप बार बार वो पूछ के है। और ये यही हमको बताना चाहते हैं कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे हम जो कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फेल्योर की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं,
जो किसान परेशान है उसकी बात कर रहे हैं, जो एससी एसटी के ऊपर अट्रॉसिटी बढ़ रही है 17% ज़्यादा हो गया उसकी बात कर रहे हैं, तो आप अटेंशन डाइवर्ट मत करो। ये चुनाव है, चुनाव में सब हम जो अपनी बात रखना है डेवलपमेंट के लिए, और उन्होंने 27 साल में क्या काम नहीं किया, क्या करना चाहिए था, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए इस बात को डाइवर्ट करने में कोई मतलब नहीं है।